नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हब ऑफ फेम में। तो आज की इस वीडियो में हम ललिता वावर के बारे में जानेंगे। भारत के लिए लंबी दूरी की रेस में हिस्सा लेने वाली महिला धावक ललिता वावर, जो 3000 मीटर स्टीपल चेंज इवेंट में खेलती है। ललिता देश की जानी पहचानी एथलीट हैं। साल 2015 में इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में ललिता वावर को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। तो आइए अब जानते हैं ललिता वावर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर वन, ललिता वावर का जन्म 2 जून 1989 को हुआ था। एक किसान परिवार में जन्म लेने वाली ललिता महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली है। काफी कम उम्र में ही ललिता ने अपने एथलेटिक्स के करियर की शुरुआत कर दी थी। ललिता ने खुद को लंबी दूरी की धावक के रूप में स्थापित किया। बचपन से ही ललिता का खेलों के प्रति काफी लगाव था। फैक्ट नंबर टू, ललिता ने अपने एथलेटिक करियर की शुरुआत ट्रैक एंड फील्ड लॉन्ग डिस्टेंस रनर के तौर पर की थी। मुंबई मैराथन में वावर 2014 में जीतने के साथ अपनी हैट्रिक विनर बनी थी। इसके बाद साल 2014 में ही ललिता ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में जाने का विचार किया। इसके बाद साल 2014 में हुए एशियन गेम में ललिता ने 9 मिनट 35 सेकंड में रेस को पूरा करके कांस्य पदक तो जीता ही, साथ में सुधा सिंह के नेशनल रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम किया। फैक्ट नंबर थ्री, साल 2015 में वावर ने अपने ही रिकॉर्ड को उस समय तोड़ा जब उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तो जीता ही, साथ ही साल 2016 के समर ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके अलावा ललिता ने समर ओलंपिक 2016 में मैराथन के लिए भी क्वालिफाई किया था। साल 2015 में ललिता ने बीजिंग में फिर से रिकॉर्ड तोड़ने का काम करते हुए भारत की पहली महिला बन गई जो स्टीपल चेंज के फाइनल में पहुंची थी। फैक्ट नंबर फोर, साल 2014 में साउथ कोरिया के इंचोन में हुए एशियन गेम्स में 3000 मीटर में उन्होंने कांस्य पदक जीता। चाइना के वुहान में हुए साल 2015 के एशियन चैंपियनशिप में 3000 मीटर में स्टीपल चेंज में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा ब्राजील की रियो में हुए ओलंपिक गेम्स में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में उनका 10वां स्थान था। फैक्ट नंबर फाइव, 26 साल की उम्र में ललिता ने अपनी मां से किया हुआ वादा निभाते हुए संदीप भोंसले से शादी कर ली। अपनी शादी के कारण वह साल 2017 में हुई एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकी। एथलेटिक फील्ड से ललिता ने थोड़ा ब्रेक लेते हुए अपने पति और सास ससुर के साथ समय बिताया। फैक्ट नंबर सिक्स, अक्टूबर 2017 में ललिता ने एक बार फिर से ट्रैक पर वापसी की, जिसमें उनके पति और सास ससुर ने काफ़ी समर्थन किया जिससे वो ओलंपिक में हिस्सा ले सकें। ब्रेक के बाद ललिता के लिए वापसी करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और वो लगातार इसके लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। तो ये थे ललिता वावर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।